हेलो दोस्तों, मैं वैशाली दुबे अन अकेडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी के प्री प्लस मेंस और व्यापम के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ हमारी बेस्ट एजुकेटर टीम लगातार आपकी मार्गदर्शित कर रही है आपको और लगातार क्लासेस ले रही है। दोस्तों, यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, और मुझे 4 साल से भी ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, मैं आपको एमपीपीएससी की प्री प्लस मेंस की स्पेसिफिक जीके हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हम डिटेल में इसको कवर करेंगे और एमपी की मैं क्लासेस आपकी लूँगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 19 का प्री दिया हुआ था और अब वो 20 की तैयारी कर रहे हैं। हमें जो अभी आयोग के द्वारा सिलेबस चेंज किया गया है, हमें उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है कि 19 में ऐसा क्या था कि जो हमने पढ़ा नहीं या पढ़ा है तो हमारे हाथ से वो छूट गया, क्योंकि हमने उसको ऊपर ही ऊपर पढ़ा। और 20 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैंने इसे 19 वर्सेस 20 के सिलेबस के रूप में रखा हुआ है कि क्या हमें 19 में हमने पढ़ा था, क्या चेंजेस हुआ और आगे हमें कैसा पढ़ना है। एमपीपीएससी 2020 के हर एक टॉपिक को मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी, हर एक टॉपिक में भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, दो प्रकार के चेंजेस हुए हैं 20 के पेपर में। पहला तो ये जो आंसर की चेंज हुई है, और दूसरा ये है कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो चेंज हुआ है। यदि मैं अनअकैडमी की बात करूं दोस्तों, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही कर सकते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी और व्यापम जैसे एग्जाम्स की तैयारी, जहां हमारी एजुकेटर टीम लगातार आपको डेली लाइव क्लासेस ले रही हैं, अनलिमिटेड टेस्ट, क्विज और एमसीक्यूज के माध्यम से आपकी लगातार जो डाउट सेशन है आपका वो क्लियर हो रहा है। हमारे टॉप एजुकेटर्स टीम में जो है पवन चौधरी सर, रूप सिंह सर, अमित शुक्ला सर जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको निरंतर आपकी जो क्लासेस ले रहे हैं आपके हर एक टॉपिक को कवर करते हुए। दोस्तों, यदि हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन की बात करें, एमपीपीएससी और व्यापम की सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो वो आपका है 7,000 रुपये का। लेकिन यदि आप मेरा कोड VD10 यूज़ करेंगे दोस्तों, तो यही आपको VD10 यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा यही चीज़ 6,300 में। आपको कोड ज़रूर याद रखना है जिसका मेरा जो कोड है वैशाली दुबे 10 VD10। और यदि आप 2021 और 2022 की तैयारी में जुटे हुए हैं और आप एक ही बार में प्री और मेंस दोनों क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए जो कि है हमारा 8,400 का। लेकिन यदि आप मेरा कोड VD10 यूज़ करते हैं तो यही आपको मिलेगा 7,560 रुपये में। दोस्तों, मात्र 7,560 रुपये में, कोड याद रखिएगा VD10। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक। मैंने सबसे पहले जो एमपीपीएससी 19 प्री का सिलेबस यहाँ डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। और अब हम बात करते हैं 2020 के सिलेबस की, जहाँ से हमें तैयारी चालू करनी है। देखिए, पहला जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि अभी एमपी के सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। हर एक टॉपिक को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया गया है। पहले जो था कि एमपी के भी ऐसे कई टॉपिक थे जो डिस्क्राइब नहीं थे, डायरेक्ट मध्य प्रदेश लिखा होता था। लेकिन हर एक टॉपिक को, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, यहाँ पे एक टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है। आप 2019 के प्रिलिम्स की यदि हम बात करें तो अभी 31 क्वेश्चन जो थे वो एमपी के आए हुए थे। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 में आयोग को एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की संभावना है, कि आयोग जो है वो एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा डालेगा। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि हम एमपी को पढ़ें। और दोस्तों, मैं आपकी जो आगे वाले लेक्चर्स में जो क्लासेस रहेंगी आपकी, उसमें मैं प्रिलिम्स प्लस मेंस के जो टॉपिक रहेंगे वो आपको कवर कराऊंगी, ताकि हमारा जो 50% मेंस का सिलेबस है वो प्रिलिम्स के साथ ही कवर होता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश।
तो हमें इसमें पढ़ना क्या है दोस्तों? इसमें हमें जो है हड़प्पा सभ्यता से लेकर कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से किस किस स्थान से कौन कौन से स्थल जो साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें पूरा इसमें उस टाइम पीरियड से लेके प्रमुख राजवंशों तक इसे कवर करना है। सिर्फ होलकर और सिंधिया नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ प्रमुख राजवंशों में जैसे कि हमारे जो विदिशा और ग्वालियर वाला क्षेत्र था यहाँ पे एक वंश था जिसका नाम है नागवंश। दोस्तों नागवंश की जो स्थापना है वो वृषनाग के द्वारा की गई थी और इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो ग्वालियर से लेके पूरा विदिशा वाला क्षेत्र तक इसका विस्तार मिलता है। दूसरी यदि हम ऐसे वंश की बात करें तो मौखरी वंश जो कि गुप्तों के पतन के बाद ही मौखरी वंश की स्थापना होती है और ये पूरा का पूरा जो पूर्वी निमाड़ वाला क्षेत्र है खंडवा वाला क्षेत्र है ये खंडवा खरवन वाले क्षेत्र में ही ये मौखरी वंश की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हरि वर्मा के द्वारा की गई थी। वैसे ही बहुत सारे वंश हैं जैसे कि परिभ्राजक वंश हो गया और भी ऐसे कई वंश हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो नमक आंदोलन हो, चाहे वो झंडा सत्याग्रह हो, 1857 की क्रांति हो कि पहले जो है वो नीमच में स्टार्ट होती है फिर ग्वालियर तक आती है फिर शिवपुरी तक आती है और ऐसे ही ऐसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की लहर फैल जाती है तो हमें ये पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम इसमें प्रमुख कलाओं में हमें क्या पढ़ना है क्योंकि स्थापत्य कला तो हमें समझ में आ रही है कि हमें क्या पढ़ना है लेकिन प्रमुख कलाओं में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे। तो दोस्तों हमें इसमें जैसे कि शिल्प कला हो गया, लोक चित्र कला हो गया, लोक गीत कला हो गया। शिल्प कला में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कि काष्ठ शिल्प कला होता है, हस्तशिल्प कला होता है, भित्ति चित्र कला होता है, गुड़िया शिल्प कला होता है, मिट्टी शिल्प कला होता है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें लोक चित्रकला की तो लोक चित्रकला में बुंदेलखंड की, मालवा की, बघेलखंड की ऐसी बहुत सारी कि आंगन में जो ऐपन बनाए जाते हैं ये कहाँ की लोक चित्रकला है तो ये बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। तो हमें ऐसे ही बहुत सारे जो इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर करने होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में भी हमें पता होना चाहिए कि बुंदेलखंडी जो बोली है इसका जो श्रेय जाता है इसे खोजने का वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है और ऐसे ही हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यटन 6 नंबर का और 3 नंबर का एक टॉपिक यदि अभी सिलेबस चेंज होने के बाद 5 नंबर में और 3 नंबर में से पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है तो इसे जो है हम पूरा का पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जैसे टंटिया भील, भीलों का मामा कहा जाता है, ये कहाँ इन्हें टंटिया भील इनका नाम कैसे पढ़ा। साथ ही साथ ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो भीलों की या अन्य जनजातियों के उत्थान के लिए उत्तरदायी हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है पहला मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। आई होप आप सभी इनको सिलेबस को जो है वो अपने एक कॉपी पेन उठाइए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि हमें इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में तो दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन भारत के पूरा इतिहास हमें पढ़ना, उनकी प्रमुख घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं। यहाँ देखिए यदि मैं 19 के सिलेबस की यदि बात करूं तो यहाँ पे भारतीय इतिहास में देखिए पहले भी था कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, सिर्फ एक ही टॉपिक था कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इतिहास में सामाजिक आर्थिक ये पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे कि राजनैतिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न और इसी टॉपिक को अब जो है उन्होंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है कि आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ना होगा, आपको स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों। अब धार्मिक सुधार आंदोलनों में कई ऐसे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं जैसे कि जो जमींदारी प्रथा को लेकर थे, कुछ ऐसे थे जो कृषकों के शोषणकारी नीति जो चल रही थी उस टाइम पे, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनियों के विरुद्ध थे,
कुछ जमींदारों के विरुद्ध थे, कुछ धार्मिक थे, और उनके उत्थान के लिए ही प्रार्थना समाज, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, जाति पाति टोडक समाज हो गया, परम कृष्ण मंडली हो गई। ये ऐसे छोटे छोटे कई ऐसे जो थे वो संस्थाएं बनी हुई थी जो कि आते हमें पढ़ना होगा धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो दोस्तों आप इसे पुनर्गठन, एकीकरण और पुनर्गठन को वर्तमान तक जोड़ के देखें, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाद हो गया, मेघालय वाद हो गया, त्रिपुरा वाद हो गया, इन सभी को एक इनका एकत्रीकरण कैसे हुआ, एकत्रीकरण करने का कारण क्या था, वो पूरा का पूरा हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। अब देख रहे हैं हम फिर से वही टॉपिक आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। यदि आप 2000 प्री को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो करना होगा आपको एमपी पे, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे सिलेबस की यदि मैं बात करूँ तो पूरे सिलेबस में जो है वो सबसे ज़्यादा एमपी का पोर्शन है वो अब वो रखेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 19 का प्री हो सकता है कि ना निकले और वो 20 की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लॉकडाउन चल रहा है तो प्री होगा या नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब हमारा एमपीपीएससी का प्री होगा। तो दोस्तों वही एक चीज़ है कि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी तभी पूरी होती है जब वो संघर्ष करता है, एक सफलता जब उसको सफलता मिलती है तभी उसके संघर्ष की कहानी पूरी होती है। तो आप जो है वो मन को छोटा मत करिए कि मन को छोटा मत कर बंदे सम्मुख है आकाश, बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। तो मेरी ये कुछ लाइनें आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपका पूरा जो आसमान है आपको यदि आपको उस तक पहुंचना है तो बुलंदियों को पाने के लिए आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप उदास मत होइए, सिलेबस को उठाइए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो कभी भी होगा, आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी होगी, आपको अपना 100% जो है वो देना ही होगा। नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भूगोल की, तो ये जो मध्य प्रदेश की भूगोल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों इसमें आप हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे मध्य प्रदेश में वन, तो वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, वनों का जो वर्गीकरण है वो एक भौगोलिक वर्गीकरण हो गया, एक प्रशासनिक वर्गीकरण हो गया, वनों के भौगोलिक वर्गीकरण को समझाइए, प्रशासनिक वर्गीकरण को समझाइए, तो ये हम इस टॉपिक को कवर करके चलना होगा। नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियों को भी कई छोटी छोटी नदियां भी आजकल पूछी जाने लगी हैं तो उनको भी पढ़ना होगा, पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रम है उन्हें वो हमें याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं एवं कृषि पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। ये टॉपिक जो है ये मेंस का है, ये जो टॉपिक है ये मेंस का है। और अभी जो नई नई परियोजनाएं जो है वो बनाई जा रही है, जैसे कि बिंजलवाला परियोजना कहाँ है, मनखरी परियोजना कहाँ है, इन सभी परियोजनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा और ये काफी पॉजिटिव भी है आपके लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत एवं विश्व के भूगोल में भी यहाँ पे देखें 19 के सिलेबस में इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जो है जैसे कि ये था भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में देखिए कि सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे एवं भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो है वो पेपर में कहीं से भी आ जाता था कि कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देते थे, अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब जो होगा वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा और वैसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चेंज हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कि भारत के वन, खनिज संपदा, कृषि, जल, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, जैसे कि जंगल सफारी हो गई, और जैसे रायपुर में भी जंगल सफारी का निर्माण किया गया है और कई जगह ऐसी हैं जो जंगल सफारी, तो ये सिर्फ आप एक जगह की जंगल सफारी के बारे में नहीं, आपको पूरे भारत की संपूर्ण सफारियों के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो नई चालू हुई हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा कि हमारी सतना टाइगर रिजर्व सफारी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कहाँ पर है, सतना जिले में। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक भूगोल का, तो सामाजिक भूगोल में जनसंख्या, जननांग की संबंधी प्रश्न हैं और विश्व के महाद्वीप, महासागर और परंपरागत एवं गैर परंपरागत। दोस्तों ये जो पार्ट है ये परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे
तो ये पूरा का पूरा वहीं से लिया गया है। जो मेंस का सिलेबस है और प्रीलिम्स में भी इसे लाया गया है। परंपरागत स्रोत ऐसे ऐसे स्रोत हैं जो कई वर्षों से जो है वो ऊर्जा का स्रोत बने हुए हैं। इन्हें जो आर नवीनीकरणीय स्रोतों के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम बात करें गैर परंपरागत स्रोतों की, तो ऐसे स्रोत जो कि नवीनीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का भारत में पांचवा स्थान है। सौर ऊर्जा से लगभग 314 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और बायोमास संयंत्र की बात करें तो भारत का पहला बायोमास संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कसाई गाँव में लगाया गया है। और इससे लगभग पूरा का पूरा जो गांव है उसमें बिजली इसी संयंत्र के द्वारा आपूर्ति की जा रही है। तो ऐसे फैक्ट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट का टॉपिक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें राज्य का संवैधानिक व्यवस्था, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में देखिए, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमें यहाँ पूरा का पूरा वही कवर करके चलना होगा। मंत्रिमंडल के बारे में हमें पता होना चाहिए, विधानसभा, उच्च न्यायालय और त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के नीचे क्या होता है, अपर सचिव होता है, उसके नीचे विशिष्ट सचिव होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, IAS रैंक का एक अधिकारी होता है। मतलब ऐसे पूरा का पूरा हमें इसके अंग जो है वो कवर करके चलने होंगे। नेक्स्ट, राज्य की अर्थव्यवस्था। देखिए 2019 के सिलेबस में इसमें जो है उसे इतना ही दिया हुआ था कि मध्य प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्राइब इसको नहीं किया गया था कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के बारे में, प्रमुख उद्योगों के बारे में, जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के बारे में और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। दोस्तों, जाति और जनजाति में अंतर क्या होता है, एक तीन नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये संविधान में इसकी क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। भारत की संविधान शासन प्रणाली, भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 और जो है वो 1935, ये इन अधिनियमों को डालने का औचित्य ही यही है कि आपको इनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता होना आवश्यक है कि 1919 का जो अधिनियम था वो क्यों आया, 1935 के अधिनियम में क्या था, कि 321 अनुच्छेद अक्षरशः जो हमारे संविधान में जो है शामिल किए गए थे। 1935 का ही अधिनियम है हमारे भारत का संविधान का देशी स्रोत है, और 1935 का ही वो अधिनियम था जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली को अस्तित्व प्रदान किया गया। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 1937 को की गई। तो इन सभी को हमें इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, वर्तमान तक के सभी संशोधनों के बारे में हमें पढ़ना है। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस समिति के द्वारा हुआ, इसका लाने का कारण क्या था। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, बैंक, यहाँ पे 2019 के सिलेबस में कहीं पे भी बैंकों के बारे में बात नहीं हो रही थी। सिर्फ आप देखेंगे तो ये है इसमें उद्योग योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम और व्यापार और मध्य प्रदेश की जनगणना। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं जो है कि नया टॉपिक जोड़ा गया है। वित्तीय संस्थाओं में आपको कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसकी कौन सी राष्ट्रीयकरण इसका कब कब हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि 2019 में बैंकों का विलय कर दिया गया। हमें एग्जिम बैंक के बारे में पढ़ना होगा, आयात निर्यात बैंक के बारे में हमें पढ़ना होगा, गैर वित्तीय कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान एवं पर्यावरण। और वहीं 2019 के सिलेबस में विज्ञान एवं पर्यावरण के में देखा होगा आपने कि सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण जो रोजमर्रा के अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित प्रश्न जो थे वो इसमें आते थे। लेकिन अब देखिए इन्होंने विज्ञान का जो सिलेबस है उसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है, और यही पूरा विज्ञान एवं पर्यावरण हमारे मेंस के पेपर 3 के फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट इकाई जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पूरा का पूरा
आता है, कवर होता है कि कौन कौन से विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं उनकी उपलब्धियां, जैसे हम बात करें कि इसरो क्या, इसरो के बारे में हमें पढ़ना होगा, हमें डीआरडीओ के बारे में हमें पढ़ना होगा, हमें बार्क के बारे में पढ़ना होगा, कि डीआरडीओ की स्थापना के बारे में पढ़ना होगा, 1958 में हुई थी इसरो की स्थापना, 15 अगस्त 1969, हमें इन सभी के बारे में, वैज्ञानिक जैसे चंद्रयान हो गया, कब लॉन्च हुआ, आदित्य मिशन, गगन मिशन, मंगल मिशन के बारे में हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, कौन सी समितियां बनी इसके बारे में, जैव पर्यावरण एवं जैव विविधता, नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व और मानव शरीर संरचना, ये जो टॉपिक है ये भी हमारा जैव विविधता वाला टॉपिक है। ये फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो उसकी यूनिट में ये कवर होता है कि हमें जैव विविधता के बारे में कि तालाब का पिरामिड कैसे बनता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, वायु संरक्षण अधिनियम कब आता है, जल संरक्षण अधिनियम कब आता है, फिर उसके बाद गंगा प्राधिकरण, नर्मदा प्राधिकरण, इसकी समितियां, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। पोषण आहार, पोषण आहार ये वाला जो टॉपिक है ये तो वैसे ल्यूसेंट से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं कि पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, पूरे मानव शरीर संरचना के बारे में आपको पढ़ना होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो पोषण आहार में, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, जैसे वैज्ञानिक इनके नाम क्या थे, इनका कार्य क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, इन सभी के बारे में हमें देखना होगा। और नेक्स्ट है कृषि उत्पाद तकनीक, ये टॉपिक नया है कृषि उत्पाद तकनीक का, और कृषि उत्पाद तकनीक में भी हमें पढ़ना होगा। और खाद्य प्रसंस्करण, दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्या है, इसका लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, ये कैसे हमें प्रभावित करता है, और साथ ही साथ हमें इसके बारे में भी पढ़ना होगा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना है वो वर्ष 1965 में की गई थी। जो FCI है वो क्या होता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यही है खाद्य निगम, इसकी स्थापना जो 1965 में की गई, क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से मध्य प्रदेश में और भारत में उद्योग लगे हुए हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। दोस्तों ये टॉपिक जो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन था, ये टॉपिक जो हमारे 19 के सिलेबस में ऐड नहीं था, लेकिन अभी इसे डायरेक्ट जोड़ा गया है क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट का ही ये पार्ट है कि आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स का क्या होगा, जब MP का वेटेज जो है वो बढ़ाया गया है तब करंट अफेयर्स हमें कहाँ से पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स आएगा, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा या आप उसे बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन अभी 19 में भी मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि और जो डायरेक्ट जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब 20 के सिलेबस में आपको MP के साथ साथ और जितनी ये जो चेंजेस हुए हैं आप वहाँ ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे सिलेबस में चेंज आया हुआ है। जो आपका कवर है वो तो आप पढ़ लेंगे, सिर्फ आपको वहाँ रिवाइज करना है, लेकिन जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं आपको उन्हें डीप में पढ़ना होगा। एक सिलेबस खुद ही, मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, आप सिलेबस खुद लिखिए। इतना टाइम में इसीलिए प्रिलिम्स के सिलेबस को दे रही हूँ क्योंकि जब आप प्रिलिम्स क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो आप मेंस नहीं लिखेंगे, इसलिए प्रिलिम्स आपको जो है ज़्यादा फोकस के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो प्रिलिम्स मैं करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन वो सबसे लास्ट में पढ़िए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए जैसे कि स्टडी IQ हो गया, वाईफाई स्टडी हो गया, हमारे बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर एक महीने की आपको जो है वो करंट अफेयर्स दे रहे हैं, आप वहाँ से जाइए, आप वो डाउनलोड कीजिए। अब वहाँ जो है हमारे टॉप एजुकेटर टीम है, हमारे MP एग्जाम्स की जो टीम है, एजुकेटर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं, आपको वो देखिए, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वहाँ से कवर हो जाएगा। और बाकी यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार की, तो खेल संस्थाएं में आप जितना ज़्यादा जो है वो अभी वर्तमान में तो जैसे नहीं है, लेकिन भविष्य में जब एग्ज़ाम होगा तो आप क्या करिए कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपको नई कोई गेम्स का आया है कि आज जो है वो वर्ल्ड कप में इतना इतना जो था कि ये टीम जो है वो जीत गई, कि विंबलडन इनके बीच में हुआ है, यहाँ हुआ है, आप उसको लिखते जाइए, खुद से ही जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाते जाइए, तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ही हम बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें है इलेक्ट्रॉनिकी,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सीहोर के आस्टा में, हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आस्टा में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान जो है उसको मंजूरी दी गई है। और साउथ अमेरिका ऐसी पहली कंट्री बना है जहाँ पे इसे मान्यता प्रदान की गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कुछ लोग बहुत ही खुश थे कि अच्छा हुआ कि 2019 के बाद जो एक्ट थे वो 2020 में इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एक्ट हट ही गए हैं, एक्ट हैं। यदि आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अभी भी एक्ट जोड़े गए हैं, लेकिन वो एक अधिनियम के माध्यम से ना जुड़कर एक आयोग के माध्यम से आपके सिलेबस में जो है इंक्लूड किए गए हैं। जैसे हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय निर्वाचन आयोग का जो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग में सुधार होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी समितियां बनी, तो तारकुंडे समिति हो गया, गोस्वामी समिति हो गया। इसकी स्थापना कब हुई, हमें पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसके स्तंभों के बारे में पता होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग कब बना, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और ऐसे ही हमें इनके कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्या क्या इनका कार्य होता है, ये किस प्रकार से जो है वो हमारे संविधान के स्तंभ के रूप में स्थापित किए गए हैं, हमें पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कि जो है इनका वर्णन संविधान के भाग 14 में दिया गया है, अनुच्छेद 312 से लेकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के बारे में बताया गया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई दोस्तों, तो वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही कर दी गई थी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 2019 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आया भी था कि कैग का कार्य कर्तव्य जो है या कार्य कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। तो यहाँ से ये जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं, आयोग दिए गए हैं, आपको इनका वर्णन जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये जैसे कि 148 में कैग के बारे में दिया गया, इसके कर्तव्यों के बारे में 149 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग। दोस्तों बाल संरक्षण आयोग की यदि मैं बात करूं तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण आयोग की स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखिए ये आ गया, अधिनियम ना आकर इन्होंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, आयोग को डाला है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जनजाति और जाति और जनजाति आयोग जो हम पहले अधिनियम पढ़ रहे थे वो आयोग के रूप में आ गया है। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो 2010 में बना था, और खाद्य संरक्षण आयोग। हमें इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ तो ये हमारा सिलेबस है। हर एक सिलेबस, इस पूरे के पूरे सिलेबस को आप खुद से लिखिए, रजिस्टर पेन कॉपी उठाइए और पूरा का पूरा खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको तभी जो है वो कवर हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों अनअकैडमी को, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि मैं आपको एक बात बताऊं, जहां आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है या फिर ऐसी कहीं पे भी किसी भी कठिनाई में भी आप जो है वो आसानी से हमारे एजुकेटर टीम के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मैं लास्ट एक बात जो थी वो सेकंड पेपर जो है वो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आंसर जो की है उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। उसमें ये चेंजेस आया हुआ है कि पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो डिलीट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन जो है वो डिलीट नहीं होंगे, और यदि एक भी आंसर जो है उसमें सही नहीं है तभी वो क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन यदि 50-50 चांसेस हैं कि उनमें एक ऑप्शन भी ऐसा है जो किसी बुक में उसको आंसर माना गया है, तो फिर वो क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होगा, उसके दोनों आंसर जो है वो माने जाएंगे
और पहले जो था वो अंग्रेजी अनुवाद को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हिंदी अनुवाद को भी उसी रूप से मान्यता दी जाएगी जिस प्रकार से अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता दी जाती है। दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले सभी जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें। और हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि एनपी के हर एक टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है, कैसे हम मैप बनाना सीखें। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम एमपी के मैप की। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि हम कैसे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं एमपी। दोस्तों याद रखिएगा, मेरा जो कोड है वो VD10 है। आप यदि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आपको मेरा कोड जो है वो VD10 यूज़ करके लेना होगा, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो सभी लेक्चर्स हैं वो आपको लगा। धन्यवाद दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, और आप सभी लॉकडाउन में घर पर ही रहिए और सरकार का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।